कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। कल मैंने आप लोगों को एक अपडेट बताया था जिसमें कि योगी जी की तरफ से खुद कहा गया था कि जो टैबलेट या स्मार्टफोन से आप सभी लोगों को 15 दिसंबर के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर ये अपडेट भी आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ एक और अपडेट है जिसमें कि 1.21 लाख विद्यार्थी टैबलेट पाने से वंचित हो रह सकते हैं। इन सभी स्टूडेंट के लिए क्या क्या अपडेट यहाँ पर, क्या क्या खबर है, आइए सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से सभी महाविद्यालयों को एक नोटिस भेजा गया है। कॉलेज के लिए छात्रों का ब्यौरा सत्यापित कर अपलोड करने की आज अंतिम तिथि है। अगर आज इन कॉलेज की तरफ से ये जो डेटा है वो नहीं भेजा गया तो सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के 1.21 लाख स्टूडेंट्स, इन सभी लोगों को टैबलेट नहीं मिल पाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के लिए के 1,21,000 विद्यार्थी ई टैबलेट और स्मार्टफोन से वंचित हो सकते हैं। विश्वविद्यालय ने अभी तक इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन सत्यापित कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, जबकि 3 दिसंबर ब्यौरा अपलोड करने की अंतिम तिथि थी। ठीक है, विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने इसको लेकर महाविद्यालय को एक नोटिस भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालयों के 2,27,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण हैं। शासन की तकनीकी सशक्तिकरण योजना के तहत ई टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के लिए इन सभी विद्यार्थियों की इसकी रिपोर्ट 3 दिसंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करनी थी, वो यहाँ पर अपलोड नहीं की गई है। विश्वविद्यालय ने 88,000 छात्रों का डेटा अपलोड कराया है। सिर्फ विश्वविद्यालय ने अब तक सबसे ज़्यादा 88,000 छात्रों का डेटा अपलोड किया है, जबकि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के लगभग 2,896 छात्रों और स्नातकोत्तर के 536 छात्रों का डेटा अपलोड किया है। आईआईटी ने अपने 12,000 छात्रों का डेटा अपलोड किया है। ठीक है, तो जिन लोगों का अभी तक डेटा अपलोड नहीं हुआ है वो लोग अपने कॉलेज में संपर्क करके पूछ सकते हैं कि उनका जो डेटा है अपलोड कर दिया गया है या फिर नहीं। आज लास्ट डेट है, अगर आज डेटा अपलोड नहीं हुआ तो आप लोग किसी भी कीमत पर आप लोगों को टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ये अपडेट पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं जिसमें कि 15 दिसंबर के बाद वितरण शुरू हो जाएगा। छात्र छात्राओं का वितरण विवरण जुटाने के लिए डीजी शक्ति नाम से तैयार किए गए पोर्टल पर बृहस्पतिवार तक गोरखपुर के छात्रों का डेटा अपलोड किया जा चुका है। राज्य स्तर पर निगरानी के लिए बनाई गई यूपी डेस्को ने इसमें 24,400 के डेटा का सत्यापन पूरा हो चुका है। 15 दिसंबर के बाद लैपटॉप पर टैबलेट का वितरण शुरू हो जाने की उम्मीद है। नोडल एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि डेटा फीडिंग का काम तेजी से चल रहा है। तो यहाँ पर ये अपडेट है। ठीक है, आप लोगों को 15 दिसंबर के बाद सभी लोगों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने अदर फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।